यू, जैसे कि कल हमने ये सीखा था कि कंपनी कैसे बनाते हैं, कंपनी को कैसे डिलीट करते हैं, कैसे पासवर्ड लगाते हैं। और जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने कहा था कि आज हम सीखेंगे कि हम कैसे स्टॉक बनाते हैं और कैसे लेजर बनाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम लेजर बनाएंगे और किस तरीके से हम स्टॉक बनाएंगे। तो सबसे पहले अपन लेजर बनाते हैं। लेजर के लिए क्या करना है अपन को कि गेटवे ऑफ टेली, जब स्टार्ट होता है वहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन आएगा। तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन में हम जाएंगे, यहाँ लेजर पे जाएंगे और यहाँ पे फिर सिंगल लेजर करके क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे हमारे को जो भी लेजर बनाने होंगे, जिस भी कंपनी के अंदर काम करेंगे, वो सारे के सारे लेजर यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो मैं आप सबको लेजर कैसे बनाते हैं वो मैं बना के दिखा रहा हूँ। और लेजर का एक पूरा पेज मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग देख के बना लेना। तो सबसे पहला लेजर मैं बनाता हूँ, मैं जैसे किसी भी पार्टी का नाम ले लेते हैं। तो जैसे मैंने ले लिया राम, और इसको हम ये मानते हैं कि ये खरीद रहा है, तो इसका लेजर हम कहाँ डालेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर में। इधर आपको पूरा लिस्ट ऑफ ग्रुप दिख जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखें, टेली में आप माउस का बहुत ही कम यूज करेंगे, या फिर हो सके तो ना करें। तो अपन राम, यहाँ मैंने सन्ड्री क्रेडिटर किया, एंटर करते हैं और मैंने राम का लेजर बना लिया। कुछ भी और चेंजेज नहीं करना है। फिर अपन ने क्या किया यहाँ पे, जैसे मैंने परचेज का लेजर बना रहा हूँ, तो यहाँ परचेज, परचेज का लेजर कहाँ जाएगा, परचेज अकाउंट में। इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, लेजर का पूरा पेज आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर मैंने एक पार्टी का नाम बना लिया, श्याम। हम ऐसा मानते हैं कि ये खरीद बेच रहा है, तो हम इसको कहाँ डाल देते हैं, सन्ड्री डेटर के अंदर। हम एक सेल का लेजर बना लेते हैं, सेल, सेल को कहाँ डाल देते हैं अपन, सेल अकाउंट में। तो इस तरीके से हम सारे के सारे लेजर बनाएंगे। लेजर बन जाएगा तो एस्केप से बाहर निकलेंगे। एस्केप से जब बाहर निकलेंगे तो आपको यहाँ पे क्रिएट, डिस्प्ले और ऑल्टर तीन चीज़ें दिखाई देगा। अगर मुझे नया लेजर बनाना होगा तो मैं क्रिएट करूँगा, अगर मुझे जो लेजर बने हुए हैं वो देखना होगा तो मैं डिस्प्ले करूँगा। जैसे आप लोगों ने देखा कि मैंने आपके सामने चार लेजर बनाए, राम, श्याम, सेल और परचेज। दो ये लेजर हैं, ये टेली हमें ऑटोमेटिक बना के देता है, इसके लिए हमें कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एस्केप से बाहर निकलते हैं। मान लीजिए कि कोई लेजर हमने गलत बना लिया है, तो अपन कहाँ जाएंगे, ऑल्टर में। जैसे मैंने यहाँ राम है, राम का लेजर मुझे संडी क्रेडिटर ना डाल के संडी डेटर में डालना था, तो ऑल्टर में जाके हम क्रेडिटर की जगह पे क्या कर देंगे, यहाँ पे डेटर, और एंटर करके इस लेजर को हम फिर से अपडेट कर देंगे। अब जाके मैं जब इसको देखता हूँ डिस्प्ले में, तो फिर से हम यहाँ पे डिस्प्ले पे आते हैं। जो भी हमने लेजर बनाया है वो हमें यहाँ पे लेजर दिखाई देगा। देखिए हमने जो चेंज किया था, पहले इसको क्रेडिटर बनाया था, मैंने इसको डेटर्स बनाया है, तो डेटर्स में दिखाई देगा। अगर कोई लेजर जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो सेम वही काम, ऑल्टर में आएंगे। कहाँ जाएंगे अपन, जिस भी लेजर को हमें डिलीट करना है, जैसे मुझे श्याम वाले लेजर को नहीं रखना, तो मैं एंटर करके ऑल्ट डी करके इस लेजर को क्या कर दूँगा, डिलीट कर दूँगा। तो अब हम जो भी लेजर बनाएंगे, एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आएंगे, लेजर में आएंगे और क्रिएट करेंगे। जैसे मैं एक लेजर और आप लोगों को बना के दिखा रहा हूँ, बैंक, बैंक का लेजर किस में जाता है, बैंक अकाउंट में। तो हम इसको कहाँ डाल देंगे, बैंक अकाउंट में। मैं स्केप करके बाहर निकलता हूँ, डिस्प्ले में जब आऊँगा तो अब आप यहाँ देखेंगे कि श्याम वाला लेजर नहीं है और बैंक का लेजर आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से अपन लेजर बनाएंगे। तो बनाना होगा तो क्रिएट, देखना होगा तो डिस्प्ले, और चेंज और डिलीट करना होगा तो ऑल्टर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं। तो ये सारा का सारा आप लोग लेजर बना लेना। अब मैं आप लोगों को स्टॉक कैसे बनता है, स्टॉक कैसे बनाए जाते हैं, स्टॉक की एंट्री कैसे करते हैं, वो अपन दिखा रहे हैं। तो इसके लिए आप आ जाना इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में। इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो हमें दो चीज़ दिखाई देगा, स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम। तो सबसे पहले अपन स्टॉक ग्रुप में जाते हैं और कोई सा भी एक ग्रुप बना लेते हैं। हम जैसे हम एक पेन का ग्रुप बना लेते हैं, या कार का, मोबाइल का, जो भी हमारा काम होगा वो हम स्टॉक ग्रुप में बना लेंगे। तो मैंने एक पेन का ग्रुप बनाया, यहाँ मैं इसको एक्सेप्ट करा लेता हूँ। एस्केप से बाहर निकलेंगे, एस्केप से बाहर निकलने के बाद मैं स्टॉक आइटम में आएंगे। यहाँ आने के बाद मैं मल्टीपल स्टॉक आइटम में आएंगे और जो हमने ग्रुप बनाया वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो जैसे पेन का ग्रुप दिखाई दे रहा,
अब जो भी कंपनियों के अपने पास में स्टॉक हैं, जैसे मेरे पास में लिंक का है तो मैंने यहाँ पे लिंक लिखा। यूनिट बनाने का शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस सी होता है, तो मैंने यहाँ पे ऑल्ट प्लस सी बनाया। अब जिस यूनिट में आप इसे सेल करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, चाहे वो पीस हो, नंबर्स हो, लीटर्स हो, केजी हो, वो हम यहाँ पे बनाएंगे। जैसे मैंने ऑल्ट प्लस सी करके देखा, यहाँ पे पीस बन के आ गया, मैंने 1000 पीस ले लिया, रेट हमने 5 रुपये का डाल दिया, ऑटोमेटिक काउंट होकर आ जाएगा। फिर मैंने दूसरा स्टॉक ले लिया सेलो, अब पीस बनाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास में बना हुआ है। मैंने फिर से इसकी क्वांटिटी ले ली और हमने यहाँ से रेट ले लिया, एंटर 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 और एंटर, इस तरीके से स्टॉक बन जाएगा। तो मुझे जब भी अब स्टॉक को देखना होगा तो अपन कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले में, और जैसे मैं पेन पे क्रिएट करूँगा तो हमें यहाँ पर स्टॉक दिखाई देगा। सेम वही काम हमें देखना होगा तो डिस्प्ले, कुछ भी चेंज करना होगा तो ऑल्टर, और बनाना होगा तो क्रिएट। एक बार फिर से देखते हैं अपन कहाँ जाएंगे, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में, फिर स्टॉक ग्रुप में, मैंने स्टॉक ग्रुप एक बना दिया पेन का। फिर अपन कहाँ आते हैं, स्टॉक आइटम में, मल्टीपल स्टॉक आइटम में, और यहाँ से हम अपन क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। इसका भी लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि हम कैसे बनाएंगे, तो उसको मैंने नोट डाउन कर दिया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो आज हमने कंपनी के अंदर कैसे स्टॉक बनाते हैं, कैसे अपन लेजर बनाते हैं वो देखा है। फिर नेक्स्ट वीडियो में इनकी एंट्री कैसे की जाएगी वो मैं बताऊँगा।